फॉरेन एक्सचेंज रेट। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव लर्नड मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, व्हाट डू मीन बाय करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन, डिफरेंस बिटवीन करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन। नाउ इन दिस वीडियो we are going to learn types of foreign exchange rate: fixed foreign exchange rate, flexible foreign exchange rate and managed floating exchange rate. As we know, foreign exchange refers to all currencies. Foreign exchange kisko refer karta hai? Sabhi currencies ko other than the domestic currency of a given country. Given country ki domestic currency ko chhod ke all currencies are known as the foreign exchange. Example, इंडिया। इन इंडिया डोमेस्टिक करेंसी क्या है हमारी? इंडिया रुपी। रुपी इज आर डोमेस्टिक करेंसी। रुपी को छोड़ के ऑल अदर करेंसीज लाइक यूएसए डॉलर, पौंड, डिनार आर फॉरेन एक्सचेंज, आर नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रेट किसको रिप्रेजेंट करता है? वन करेंसी के प्राइस को इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट है एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर, जिस पर हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज कर सकते हैं। लाइक वन डॉलर इक्वल टू 70 रुपीज, देन 1 रुपीज किसके इक्वल होगा? 1/70 डॉलर्स। फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर करेंसी। Now the types of foreign exchange rates. The three main types of exchange rate systems are: first one is the fixed exchange rate system, also known as pegged exchange rate system. Second one is the flexible exchange rate system, it is also known as floating exchange rate system. And third one is the managed floating exchange rate system, also known as the DARTY floating exchange rate system. There are three types of foreign exchange rate system. First one is the fixed exchange rate system. Second one is the flexible exchange rate system. And third one is the managed floating exchange rate system. Fixed exchange rate system. What do you mean by fixed exchange rate system? The system in which the foreign exchange rate, वो सिस्टम जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट इज ऑफिशियली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन फिक्स करता है फॉरेन एक्सचेंज रेट? इज ऑफिशियली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फिक्स करती है, मॉनेटरी अथॉरिटी फिक्स करती है, एंड नॉट डिटरमाइन बाय द मार्केट फोर्सेस। उसको मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन नहीं करती। वी नो देयर आर टू मार्केट फोर्सेस है। फर्स्ट वन इज द डिमांड एंड सेकेंड वन इज द सप्लाई। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट को मार्केट फोर्सेस इफेक्ट ना करके गवर्नमेंट उसको फिक्स करती है, दैट इज नोन एज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। द सिस्टम इन विच द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज ऑफिशियली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, मॉनेटरी अथॉरिटी, एंड नॉट डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ईच कंट्री कीप्स द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम में क्या होता है? ईच कंट्री, सभी कंट्रीज कीप्स द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी, अपनी करेंसी की वैल्यू फिक्स करती हैं इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के टर्म्स में। दीज एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कैन बी गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर एंड अदर प्रेशियस मेटल, अनदर कंट्रीज करेंसी, और इवन सम इंटरनेशनल एग्रीड लिमिट ऑफ अकाउंट। इन द अर्लियर टाइम एक्सचेंज रेट ऑफ ऑल मेजर कंट्रीज, पहले जो एक्सचेंज रेट था सभी कंट्रीज में वर फिक्स्ड होता था अकॉर्डिंग टू द गोल्ड स्टैंडर्ड। दिस इज नोन एज द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। द सिस्टम इन विच द एक्सचेंज रेट इज ऑफिशियली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, मॉनेटरी अथॉरिटी, एंड नॉट डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। सेकेंड वन इज द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज द रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट वो रेट है विच इज डिटरमाइंड,
जो डिटरमाइन किया जाता है बाय द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा जो फिक्स होता है इज नोन एज द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स में हमने किया, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, बट द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, या मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिटरमाइंड होता है, बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देर इज नो ऑफिशियल इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, कोई हस्तक्षेप नहीं होता। हियर द वैल्यू ऑफ अ करेंसी, यहाँ पर करेंसी की वैल्यू इज लेफ्ट कम्प्लीटली फ्री टू बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज। करेंसी की वैल्यू को कम्प्लीटली कौन डिटरमाइन करेगा फॉरन एक्सचेंज को? बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरन एक्सचेंज। नाउ थर्ड वन इज द मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज, क्लियर बाय इट्स नेम, मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, ये किसको रेफर करता है? रेफर्स टू अ सिस्टम, वो सिस्टम है इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड। फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होगा? बाय मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस के द्वारा, एंड सेंट्रल बैंक इज की पार्टिसिपेंट टू स्टेबलाइज द करेंसी इन केस ऑफ एक्सट्रीम एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। लेकिन इसमें सेंट्रल बैंक इज द की पार्टिसिपेंट है टू स्टेबलाइज द करेंसी, जो एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करेगा इन केस ऑफ एक्सट्रीम एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन, जब बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन हो जाएगी करेंसी या डेप्रिशिएट हो जाएगी। सो मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरन एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज। फॉरन एक्सचेंज किसके द्वारा डिटरमाइन होता है? मार्केट फोर्सेज के द्वारा, एंड सेंट्रल बैंक इज अ की पार्टिसिपेंट, और साथ में सेंट्रल बैंक क्या है? मेन पार्टिसिपेंट है टू स्टेबलाइज द करेंसी, जो करेंसी को क्या करता है? स्टेबलाइज करता है इन केस ऑफ एक्सट्रीम एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम ऑल्सो नोन एज डर्टी फ्लोटिंग। सेंट्रल बैंक टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसीज, सेंट्रल बैंक क्या करता है? बाय करता है, सेल करता है फॉरेन करेंसीज को, इन एन अटेम्प्ट टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट मूवमेंट व्हेनेवर दे फील, जब उसको फील होता है दैट सच एक्शन आर एप्रोप्रिएट, दिस इज कॉल्ड द मैनेज्ड फ्लोटिंग। अगेन लिसन, मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम in which foreign exchange rate is determined by the market forces and central bank is the key participant to stabilize the currency in case of extreme depreciation and appreciation. Now the difference between fixed exchange rate and flexible exchange rate. Fixed exchange rate, we know it is officially fixed in terms of gold or any other currencies by the government. Fixed exchange rate is determined by the government. Flexible exchange rate, it is determined by the forces of demand and supply of foreign exchange market. Second one is the government control. Fixed exchange rate is completely government control, as only government has the power to change it. But flexible exchange rate, there is no government intervention. गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, इट इज फ्लक्चुएट फ्रीली अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन, ये फ्लक्चुएट होता है फ्रीली अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन। थर्ड वन इज द स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। द एक्सचेंज रेट जनरली रिमेन्स स्टेबल, इसमें एक्सचेंज रेट क्या रहता है? स्टेबल रहता है, बिकॉज इट इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट एंड ओनली अ स्मॉल वेरिएशन, केवल स्मॉल चेंजेस ही पॉसिबल है। बट इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, द एक्सचेंज रेट keeps on changing, exchange rate change hota rehta hai in the flexible exchange rate system।